गाइस, दिस इज़ ओजिल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के ऊपर। तो कैपेसिटर जो होता है कॉमनली दो टाइप का होता है, एक पोलर कैपेसिटर होता है, एक नॉन पोलर कैपेसिटर होता है। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा करके जो है पोलर कैपेसिटर ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये डीसी सर्किट में होता है और अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जितना भी होता है सब डीसी सर्किट रहता है, बैटरी पे चलता है, चाहे 24 वोल्ट हो चाहे 12 वोल्ट हो। तो इसके अंदर होता है एक पोलर कैपेसिटर होता है जो अपना डीसी सर्किट में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग जो ये है यूज़ करते हैं। और एक जो होता है एक नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर में जो होता है जो एसी सर्किट में यूज़ करते हैं। और इसको ये कैपेसिटर बोलने मेरा बताने का मतलब ये होता है, क्योंकि जितनी जो हाइब्रिड गाड़ी आता है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक होता है, जैसा डीसी से हम लोग एसी कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो है ये कैपेसिटर सब जो है यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको ये नॉन पोलर कैपेसिटर, इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप आते हैं, तो उसका डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के डाल दूँगा। और ये मेरा थ्योरिकल है, उसके बाद जो है मैं प्रैक्टिकल जो है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और जो होता है पोलर कैपेसिटर होता है उसको पहचानने का तरीका होता है कि उसके एक साइड पे जो है ऐसा लाइनिंग रहेगा, उसमें माइनस माइनस ऐसा लिखा रहेगा, मतलब वो नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव साइड जो है कोई भी रंग रहेगा, कोई भी कलर रहेगा उसको पॉजिटिव। और इसका साइड जो होता है कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट नहीं होता है। और ये बोर्ड में एसीएम के बोर्ड में देखा जाओगे तो इसके अंदर जो है कैपेसिटर आपको दिखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, ये है, ये है, ये वाला है कैपेसिटर, उसके बाद ये है, ये 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 सब जितने जो है इसका कोड का सी लिखा रहेगा, मतलब कैपेसिटर सी, जितना जो है सब पहचानने का तरीका सी कैपेसिटर सब कैपेसिटिव। इसका जो है वो चेक करने का तरीका, अगर बोर्ड में हम लोग चेक करेंगे इसको तो इसके अंदर दोनों साइड भी कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, तो ये कैपेसिटर जो है ठीक है। और बाहर निकाल के भी चेक करेंगे तो कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। और इसमें जो है एक बार रीडिंग आके एक पे हो जाना चाहिए, एक रीडिंग जाके फिर पे ज़ीरो पे आ जाना चाहिए, तो कैपेसिटर सही है। अगर नहीं आया एक बार जाके रीडिंग तो वो ख़राब है। मल्टीमीटर का जैसा कि ये जो है एक ये माइनस है, तो मैं मल्टीमीटर का जो है एक प्रोब जो है यहाँ मैं यहाँ पे लगाऊंगा और दूसरा प्रोब जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो इसमें क्या होएगा कि एक साइड जो है प्लस यहाँ पे लगाएंगे तो ये चार्ज होएगा तो रीडिंग आके जो है फिर ज़ीरो पे आएगा, फिर हम लोग इसको पलट के इधर लगाएंगे तो फिर इधर से जो है फिर ये चार्ज, मतलब एक साइड इंक्रीजिंग का बताएगा तो दूसरा साइड जो है डिक्रीजिंग का डिस्चार्ज का बताएगा, एक साइड चार्ज होएगा एक साइड डिस्चार्ज होएगा। तो ये सिंपल तरीका होता है डिसीजन। मेरा चैनल